निगेटिव थिंकिंग को बंद कैसा करें, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। काफ़ी लोगों के हमको फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल्स आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, और ज़्यादातर 99% लोगों का जो न्यूरोटिक इलनेस लेके आते हैं उसमें से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमको निगेटिव थिंकिंग है। वैसे नॉर्मल आदमी को भी पूछा कि आपके दिमाग में विचार क्या चालू है, तो बोलते हैं निगेटिव है, और इसलिए तो अखबारों में निगेटिव न्यूज़ सभी निगेटिव न्यूज़ ही छपी जाती है। कुछ अच्छी है तो उसको बोलते हैं शुभ वार्ता, शुभ वर्तमान, ऐसा करके आता ना उसके नीचे शुभ वर्तमान डालते हैं। अदरवाइज आप यदि न्यूज़पेपर खोलते तो सब निगेटिव निगेटिव है। तो अब इसको दूर कैसा करें? कुछ लोगों को बहुत ही निगेटिव आती है थिंकिंग, बहुत ही निगेटिव बातें कंटिन्यूसली आती है थिंकिंग में, या कुछ लोगों को निगेटिव थिंकिंग बार 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 आती है, तो कैसा उसको डील करना है। कुछ एक कभी व्यक्ति मेरे पास में आता, उसको निगेटिव थिंकिंग आती है, मेरे मदर के साथ में मैं सेक्स करूँगा क्या, उसको डर लगता है, वो विचार आते से घबराता है, ऐसा कैसा विचार मेरे में आ रहा है। उसको लगता है कि मैं मेरे भाभी के साथ में सेक्स करूँगा क्या, अचानक से ऐसा हो जाएगा क्या मेरे से कि मैं सेक्स कर लूँगा उनके साथ में, या मैं अप्रोच हूँगा या किस करूँगा, मतलब उसको उसको करने का नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ये करूँगा ये करेंगा, और बार बार निगेटिव विचार उसको आते रहते हैं। कोई भी उसको लेडी दिखी तो उसको लगता है कि नहीं मैं उसका बलात्कार करूँगा क्या, उसको मैं पकड़ लूँगा क्या, और उसको डर लगते रहता है। तभी ये डील कैसे करना, ये हम करते हैं हिप्नोथेरेपी से। हम हिप्नोथेरेपी में बोलते हैं कि भाई आपको बार 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 जो विचार आ रहे हैं वो निगेटिव विचार है, उसको आइडेंटिफाई करो कि निगेटिव विचार है, ये आपके मन के खिलाफ आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, ATM आपको प्रोड्यूस करती है एंड ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। ये थॉट है उसको ऑब्जर्व करो, उसको कुछ महत्व देने का नहीं है, उसको तवज्जो देने का नहीं है, सिग्निफिकेंस देने का नहीं है, बस उसको देखना है। थॉट्स आएंगे थॉट्स जा रहे हैं, उसको कोई महत्व दिया नहीं, आप ही आप निकल जाएंगे। आप जितना उसको रेजिस्ट करेंगे, जितना रेजिस्ट करेंगे नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उतने ज़्यादा ज़्यादा आते जाएंगे वो। इसलिए आपको ये करना है कि ठीक है आने दो, इमोशनली उसको अटैच मत होना, इमोशंस उसको लगाने का नहीं, थॉट्स है आएंगे जाएंगे। और रिलैक्सेशन आप करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, उसमें वो देखते हैं कि थॉट आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और वैसे ही आप CBT के जरिए भी ये ठीक कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थॉट्स जो आ रहे हैं वो थॉट्स के साथ में डिस्प्यूट करना, और डिस्प्यूट करके ये कैसे इलॉजिकल है, कैसे इनअप्रोप्रिएट थॉट्स है, और उसको हम कैसा देख सकते हैं, किस जड़ से हम उसको कैसा देख के निकाल सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये शुरू हुआ तो उस समय क्या हो रहा था, ये कैसे बढ़ते 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 और इसका बहुत बड़ा मात्रा कैसे चालू हो गया, मतलब ये हम देखते हैं, जड़ को देखते हैं, और वहीं हम उसको डिस्प्यूट करके ख़त्म करते हैं, तो आपके निगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।